बहन तू ये क्या कर रही है? तेरा दिमाग खराब है क्या? पागल हो गई है क्या? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत मन करता है ना तेरा, ले कर ले अपने शौक पूरे, लूट ले मेरी इज्जत। पहनी से पहले तू पागल हो गई, तू नशा वशा करके आई है क्या? बोले जा रही है तू, क्या बकवास कर रही है? मैं कोई नशा वशा नहीं करके आई, नशा तो तुझे चढ़ा है हवस का। मुझे तो शर्म आती है तुझे अपना भाई बोलते हुए भी। हुआ क्या है, पागल रखी है कि तू? बता तो सही क्या हुआ है। आज ये तूने दूसरी बार किया है मेरी फ्रेंड के साथ। सुन भाई। हाँ? मैं एक दो घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, तो तू थोड़ा घर का ध्यान रखी हो। ठीक है ठीक है, मैं चेंज करके निकलती हूँ। ओके। शेफाली 15 मिनट तक मेरे घर आइयो, कुछ काम है। सुन मुझे कॉल या मैसेज मत करियो, तुझे मिलके बताऊंगी कि ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ। तू जल्दी से घर आ जा बस। शीतल ने बुलाया था। हाँ हाँ शीतल अंदर ही है, आप जाओ मिल लो। शीतल, कहाँ हो तुम? तुम ये क्या कर रहे हो? और शीतल कहाँ पर है? तुम क्या कर रहे हो? पागल क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुझे पता भी है मेंटली कितनी डिस्टर्ब है? अरे वो तो सुसाइड करने जा रही थी, रो रो के पागल हो चुकी थी। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि तू कितना गिरा हुआ इंसान है, कि तूने उसके साथ बलात्कार किया है। मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, वो पहले भाग गई थी। लेकिन प्लानिंग तो पूरी की थी ना, बलात्कार की प्लानिंग को भी बलात्कार जितना ही अपराध कहते हैं, इसलिए मैं तेरे सामने ऐसे खड़ी हूँ। ले कर ले मेरे साथ वही सब जो तू उसके साथ करना चाहता था। वो भी तो लड़की है, उसके पास भी तो वही है ना जो मेरे पास है, और घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी। दूसरों की घर की लड़कियों की इज्जत उतारने से अच्छा है तू मेरे पे अपनी गर्मी उतार ले। मुझे माफ कर दे बहन, मुझे नहीं पता इतनी गर्मी मेरे दिमाग में कैसे चढ़ गई। मुझे कम से कम इतना सोचना चाहिए कि मेरे घर में भी एक बहन है। अगर कल को तेरे साथ कोई ऐसा करेगा तो हम भी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तेरे माफी मांगने से उसकी खोई हुई इज्जत तो वापस नहीं आ जाएगी ना। मुझे शर्म आती है तुझ पे। मैं उससे भी माफी मांगूंगा। मुझे तुझ पे घिन आ रही है। ये भगवान क्या जुलुम है।